हेलो फ्रेंड्स, सो आज का मेरा टॉपिक्स है सरफेस हाई स्पीड मिलिंग पे। तो व्हाई वी यूज सरफेस हाई स्पीड मशीनिंग, सरफेस हाई स्पीड मशीनिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हम क्यों करते हैं, और मिलिंग पे भी कुछ कुछ चीजें हो जाता है जहां पे सरफेस हाई स्पीड मशीनिंग करना नहीं जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं सरफेस हाई स्पीड मशीनिंग सीएनसी मिलिंग पर, आज का मेरा टॉपिक्स है, ठीक है। बेसिकली ये मेरा वर्क पीस है, आप देख पा रहे हो, ये मेरा वर्क पीस है, इसके ऊपर मुझे सरफेस मशीनिंग करना है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग सरफेस हाई स्पीड इसलिए करते हैं जहां पे हम लोग को हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए, जहां पे साइकिल टाइम लो साइकिल टाइम हो, ठीक है। दूसरी तरीका ये होता है जहां पे हम लोग सरफेस अच्छा एक्यूरेसी चाहिए, अच्छा सरफेस फिनिशिंग चाहिए, वहां पे हम लोग सरफेस हाई स्पीड मिलिंग यूज करते हैं। थर्ड ये होता है यहाँ पे मुझे गुड डायमेंशन एक्यूरेसी भी मिल जाती है, आप देख पा रहे हो इस तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मेरा वर्कपीस है, अगर आपको इस तरीके से सरफेस फिनिशिंग बना होगा तो आपको सरफेस हाई स्पीड सर्विसिंग यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज मैं आपको हाई स्पीड सर्विसिंग में कवर करूंगा, डायनेमिक ऑप्टिग्राफ, वाटर लाइन, स्केल ऑफ, हॉरिजॉन्टल एरिया, रास्टर, ओके। तो सबसे पहले जो है मैं ऑप्टिग्राफ में तरफ आ रहा हूं। जो ऑप्टिग्राफ होते क्या है एक्चुअल में, ठीक है, तो मेरा टूलफट टाइप है, दो टाइप का होता है, एक होता है एरिया राफिंग, दूसरा होता है डायनेमिक ऑप्टिग्राफ। जो एरिया राफिंग होता है, जो उसका आउटर बाउंड्री की जो आपकी मशीनिंग वर्कपीस में जो एरिया रह जाती है उस पे हम लोग मशीनिंग करते हैं एरिया राफिंग पे, और ये जो है ऑल ओवर लेंथ पे काम करते हैं। और जो डायनेमिक ऑप्टिग्राफ है ये आपका स्पेसिफाइड एरिया में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप डायनेमिक ऑप्टिग्राफ करने जा रहे हो सबसे पहले आपको एरिया राफिंग करना होगा, उसके बाद आप ऑप्टिग्राफ में जा पाओगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सरफेस हाई स्पीड, देन डायनेमिक ऑप्टिग्राफ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिलेक्ट द स्पेसिफाइड एरिया, ओके, देन हिट ओके, स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द एरिया रफिंग, ओके। टूल आई विल सिलेक्ट द टूल मैन्युअली, यू कैन चूज फ्रॉम सिलेक्ट लाइब्रेरी टूल ऑल्सो, हियर आई एम यूजिंग फ्लैट बॉल मिल, सॉरी फ्लैट एंड मिल, कटिंग डायमीटर 6 mm, फ्लैट मिल फिनिश टूल होल्डर, यू कैन सिलेक्ट योर होल्डर मैन्युअली, सम ऑफ द एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड इन द लाइब्रेरी, ओके। द कट पैरामीटर, ऑलवेज रिमेंबर द स्टेप ओवर will be lower than the tool diameter, okay. Rest metal, now we'll come to linking parameter, the value will be absolute, hit okay. See, there is the surface high speed area roughing, see the guys, ओके, आई हैव टू सिलेक्ट इट मैन्युअली, हियर आई एम सिलेक्टिंग सरफेस हाई स्पीड एंड सी द ऑपरेशंस, ओके, यू कैन सी हियर,
आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो इनसाइड एरिया है, जो डिफाइंड बाउंड्री है, उसके ऊपर मेरा मशीनिंग हो रहा है। ओके ठीक है गाइस, ये मशीनिंग हो गया यहाँ पे एरिया रफिंग। ओके नेक्स्ट जो मेरा पैरामीटर है इसके ऊपर मैं होऊंगा सरफेस हाई स्पीड वाटर लाइन। सरफेस हाई स्पीड वाटर लाइन हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको जाना होगा हम लोग वाटर लाइन कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वाटर लाइन वहां पे करते हैं किसी कोई ब्लॉक हो, इसको अगर आपको आउटसाइड जो एरिया है उसके ऊपर हम लोग वाटर लाइन काम करते हैं। इसके लिए आपको स्टेप ओवर देना पड़ता है, स्टेप डाउन देना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो सबसे पहले टूल पार्ट टेन वाटर लाइन सिलेक्ट द टॉप सरफेस ऑफ दिस स्लॉट, इट ओके स्टार्टिंग पॉइंट वाटर लाइन। ओके आई एम सिलेक्टिंग वाटर लाइन, टूल सेम एज द अर्ली वन, होल्डर यू कैन चूज इट मैन्युअली और जो कट मेथड, क्लाइंबिंग कॉन्वेंशनल, जिगजैग यू कैन चूज एज पर योर कंसर्न, ट्रिम स्टॉप, ट्रांजिशन स्टेप, चलो लिंकिंग पैरामीटर। ओके सी जैसे मेरा सर्फिस वाटर लाइन सिलेक्ट हो गया, मैं आपको यहां पर रन करके दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से मेरा मशीनिंग हो रहा है, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो यहाँ पे आप ब्लू लाइन दिख रहे हो, ये मेरा स्टेप ऊपर है, कितना मैं स्टेप ऊपर दे रहा हूँ इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अब कट पैरामीटर में जाओ, यहाँ पे मैं स्टॉक दे रखा हूँ 1 mm की, तो एक लाइन ब्लू लाइन से दूसरी ब्लू लाइन का डिस्टेंस होगी आपकी 1 mm। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, जितना कम करोगे इतना आपको एक्यूरेसी मिलेंगे। ठीक है, ये होता है आपका स्टेप डाउन, यहाँ पे भी मैं 1 mm का रखा हूँ, इसको अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आता है आपका सरफेस हाई स्पीड स्कैलॉप। सरफेस हाई स्पीड स्कैलॉप में किस टाइप का मशीनिंग होता है, यहां पे स्कैलॉप स्केल ऑफ सिलेक्टिंग द सेम सर्फेसेस स्टार्टिंग पॉइंट स्केल ऑफ टूल सेम एफ अर्ली वन वन होल्डर कट पैरामीटर। अगर आपको किसी चेंजेस करना होगा, आपको कट पैरामीटर में करना होगा या लिंकिंग पैरामीटर में करना होगा, ज्यादातर हम लोग इसमें ही करते हैं चेंजेस। ट्रिम टू स्टॉप ले एज इट इज लिंक इन पैरामीटर। ओके ओके दोस्तों, हाई स्पीड स्कैलॉप एंड ऑपरेशन। मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों एक साथ करके, स्टॉप में करते हैं इसको, स्टॉप मटेरियल इसमें फिनिशिंग के लिए
not just finishing. Can see the finishing also. ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपके हॉरिजेंटल। अगर किसी वर्क पीस में आपको हॉरिजेंटल एरिया डिफाइन करना है और किसी हॉरिजेंटल एरिया पे आपको अच्छा सरफेसिंग चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल एरिया टूल पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हॉरिजेंटल एरिया जो है, मैं इसको चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ये मेरा हॉरिजेंटल एरिया है। ओके, नेक्स्ट टूल पॉट हॉरिजेंटल एरिया आई ऑलरेडी सिलेक्टेड, टूल 6 mm फ्लैट नोज होल्डर सेम एज द अर्लियर वन, कार्ड पैरामीटर द कार्ड मेथड विल बी क्लेम और कन्वेंशनल आल्सो, टिप कन्वेंशन आई प्रेफर टिप, नंबर ऑफ डेप्थ कार्ड 2 एट अ टाइम, स्टेप डाउन 1 mm, यू कैन सेंड योर स्टेप डाउन टू 0.05 दैट गिव्स यू बेटर एक्यूरेसी, बेटर एक्यूरेसी। टूल क्वांटिटी मेंटेन्ड, यू नो नीड टू चेंज एनीथिंग हियर, ट्रांजिशन स्टेप बिलो, लिंकिंग पैरामीटर सेम एज द अर्लियर वन, नाउ सी द रिजल्ट्स। अब देख पा रहे हो इसके ऊपर जो मेरे हॉरिजॉन्टल एरिया है, जो हॉरिजॉन्टल एरिया इसके ऊपर मिलिंग कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्टॉक में स्टॉक साइज में ले रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मशीनिंग कर सकते हो हाई स्पीड फिनिशिंग के लिए। ठीक है, और एक बात, अगर किसी वर्क पीस को आप इंसर्ट कर रहे हो, किसी फॉर्मेट में लेके आप इंसर्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको स्टॉक देना उसके बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको यहाँ पे, आप स्टॉक साइज में जाके उसको स्टॉक इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रास्टर। ओके, रास्टर हम कैसे करते हैं। आपका रास्टर होता है किसी किसी वर्कपीस में जो आपका टॉप सरफेस होता है, आपको किस तरीके से सरफेस हो, आपके कन्वेंशनल हो, फ्लैट हो, स्लोप हो, किस तरीके भी सरफेस हो, हम लोग रास्टर करते हैं कि ऊपर के सरफेस को अच्छा एक्यूरेट बना ले हम लोग। ठीक है, रास्टर इमेज के लिए मैं पूरा यहाँ पे टूल को सिलेक्ट करूंगा, पूरा वर्कपीस में सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर एंटर। रास्टर टूल 6 mm डायमीटर सेम, फ्लैट नोज एंड मिल होल्डर सेम, ट्रांजिशन लिंकिंग पैरामीटर सेम, ओके। नाउ आप हाई स्पीड रास्टर देख पा रहे हो। स्पीड रास्टर, ये जो पूरा जितना आपका वर्कपीस है पूरा उसके ऊपर आपको मशीनिंग होगा, इसमें आपको जरूरत के हिसाब से टूल पर टूल भी चेंज करना होगा, ऑपरेशन भी चेंज करना होगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फाइंड इन स्टॉक्स, ओके, नाउ सी द डिफरेंसेस। दोस्तों हियर आई विल सेंड
the tool port size to 3 mm. Here also 3 mm, and I'm using radius tool. Okay. ठीक है दोस्तों, तो आज बहुत कुछ आपका क्लियर हो गया है सीएनसी मिलिंग पे हम लोग कैसे हाई स्पीड मशीनिंग करते हैं और कहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है। ठीक है, मेरा यहाँ पे ऑनलाइन भी क्लास चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं। अगर आप लोग दिल्ली पे भी, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो मेरा यहाँ पे सेंटर भी है द्वारका मोड़ पे, आप विजिट भी कर सकते हो। ठीक है, मेरा यह नंबर जो है, मेरा यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी प्रोवाइड किया, अगर कोई आप डाउट में, अगर मुझे डाउट भी हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो सेम नंबर पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।